हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं टेक संदीप ब्लॉग्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पेशल माइक्रोटेक इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। अभी से कुछ दिन बाद दोस्तों गर्मी आने वाला है, तो क्या गर्मी के दिनों में हर एक किसी को इन्वर्टर का जरूरत पड़ता है? क्योंकि दोस्तों अगर यदि आप एक सिटी में रहते हैं तो सिटी में बहुत कम ही लाइट कटता है, और अगर यदि आप एक विलेज एरिया में रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे क्या अक्सर लाइट का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे बहुत कम ही लाइट रहता है। ऐसे में हर एक किसी को एक इन्वर्टर का जरूरत पड़ता है दोस्तों, और लोगों के पास अच्छी जानकारी नहीं होने की वजह से कोई सा भी इन्वर्टर परचेस कर लेते हैं, जिससे उसको बाद में काफ़ी दिक्कत होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं माइक्रोटेक के चार ऐसे इन्वर्टर के बारे में बताऊँगा जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ये इन्वर्टर, और बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आप अगर ये इन्वर्टर परचेस करते हैं तो आपको वाकई मिलेगा कि वैल्यू फॉर मनी हमने प्रोवाइड कराया, ये इन्वर्टर और अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों। और इसमें से मैं 2 से 3 मिनट इन्वर्टर में अभी भी यूज कर रहा हूँ दोस्तों, उनमें से किसी में भी तब तक से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोग को इस इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। अभी भी काफ़ी सारे लोगों को इन्वर्टर के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, उम्मीद पक्का करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। उससे पहले अगर जो आप अभी तक से मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैम YouTube से रिलेटेड वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहता हूँ, साथ ही कुछ छोटे मोटे जो जानकारी मेरे पास होती है वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, साथ ही दोस्तों कुछ ब्लॉग्स मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों माइक्रोटेक का हाइब्रिड 950 वाट। इससे हम अगर दी आउटपुट वोल्टेज वाट की बात करें तो 760 वाट तक आप इसमें लोड दे सकते हैं, जिसमें से आप इसमें एक फ्रिज चला सकते हैं जो इन्वर्टर वाला फ्रिज आता है, साथ ही 2-3 फैन चलाइए साथ में, और आप इससे ट्यूबलाइट एली बहुत सारे चला सकते हैं दोस्तों। 760 वाट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावर होता है, आप इसको अपने होम या ऑफिस के लिए बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों माइक्रोटेक हाइब्रिड 1125 वोल्ट एसी। इसमें आप 900 वाट तक का लोड दे सकते हैं, ये 900 वाट आउटपुट करता है, यानी कि बहुत बड़े शॉप्स के लिए, गोदाम्स के लिए, 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स के लिए आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं, अच्छे खासे ये लोड ले लेता है। 950 वाट तक बहुत होता है दोस्तों, आप इसमें सिंगल बैटरी 150H 2H तक का आराम से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इन्वर्टर काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों माइक्रोटेक का हाइब्रिड 1650 वोल्ट एसी। ये दोस्तों 24 वोल्ट का है, इससे पहले मैं जो आपको 3 बताया वो सिंगल बैटरी का था 12 वोल्ट का, ये डबल बैटरी 24 वोल्ट का है। आप इसमें 1320 वाट तक का ये आउटपुट देता है, आप इसमें आसानी से 3-4 TV 2-3 कंप्यूटर 4-5 फैन इस तरह से साथ इसमें चला सकते हैं, और ये 2 बैटरी का है तो ये बैकअप भी इससे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 4 इन्वर्टर थे मैंने आपको बता दिया। अगर जो आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप वीडियो देख सके सबसे पहले। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।